नमस्कार, देवभूमि क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। टाउनशिप के विरोध चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और सूर्यकांत धस्माना, सरकार पर जमकर गरजे, कहा देहरादून स्मार्ट सिटी का बुरा हाल। डोईवाला में सरकार की नया शहर बसाने की योजना इंटीग्रेटेड टाउन सिटी के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने आज कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत सूर्यकांत धस्माना पहुंचे। धरना स्थल पर संबोधित करते हुए हरक सिंह रावत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आज सरकार किस स्मार्ट सिटी की बात कर रही है, आज देहरादून स्मार्ट सिटी का हाल सबके सामने है। सरकार किसानों की जमीन लेकर यह कंक्रीट का जंगल खड़ा करना चाहती है। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता आज डोईवाला के किसानों के साथ उनकी जमीन बचाने के लिए संघर्ष करेगा। सरकार को किसी भी कीमत पर किसान की एक इंच जमीन लेने नहीं दी जाएगी। यहाँ के किसान डोईवाला के किसानों की आवाज है, ये इंटीग्रेटेड सिटी नहीं बनना चाहिए और ये आवाज इनकी वैसी ही नहीं, क्योंकि ये देहरादून के स्मार्ट सिटी को देख चुके हैं। बड़ी बड़ी बातें भी थी कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च होगा, देहरादून की सीवर लाइन, देहरादून की पेयजल योजनाएं, देहरादून के फ्लाई ओवर, देहरादून का जाम, बरसात का पानी, स्मार्ट सिटी बनने के बाद कुछ नहीं दिखाई देगा। पिछले 5-6 दिन देख लो, आप राजपुर रोड देख लो, जो सबसे पॉस एरिया है देहरादून का, आप घंटाघर देख लो, सहजारा रोड देख लो, लोग रो रहे हैं, देहरादून के लोग रो रहे हैं। क्या स्मार्ट सिटी जब ये बिजली के खंभे गिरे हुए, इसलिए डोईवाला के लोग आशंकित हैं। अगर ऐसे ही स्मार्ट सिटी है, ऐसी एरो सिटी बन जाए तो डोईवाला के लोग नहीं चाहते कि ऐसा सिटी बने। हमारी हरे भरे खेत भी खत्म हो, हमारे हरे भरे खेत भी खत्म हो और सिटी के नाम पर यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ की रीति रिवाज, यहाँ के लोगों का प्रेम भाव, वो भी खत्म हो। प्रदेश के अंदर 76 पुल ऐसे हैं जो आपसे प्रभावित है, इसी प्रकार से